Hey guys, welcome back to my channel Explosive Beast. So today I am back with another supplement review video और आज मैं फिर से एक protein brand का review करने वाला हूँ. So ये बहुत ही trending brand है और हर जगह Facebook पे, Instagram पे, हर social media पे ये छाया हुआ है. So मैंने सोचा क्यों ना इसको मंगवा के इसका एक test कर लिया जाए. So let me show you the product. मेरे पास है अवतार का वे प्रोटीन. सो ये कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन मंगवाया है मैंने. 1 kg का पैक है और इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो मुझे ये पड़ा है डिस्काउंट्स लगाने के बाद ऑलमोस्ट 2317 रुपये का. आई होप यू कैन सी. तो 2300 रुपये का अगर हम माने 1 kg प्रोटीन तो ठीक है, एक एवरेज प्राइस है एज पर द इंडियन ब्रांड. और जो इसका फ्लेवर है वो है मलाई कुल्फी फ्लेवर. ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग फ्लेवर है, बहुत ही इसकी डिमांड हाई है. तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया इंडियन फ्लेवर ट्राई किया जाए. और सबसे ज़रूरी बात अगर देखें बॉक्स की तो यहाँ पे इन्होंने ट्रस्टी फाइट की और इन्फॉर्म चॉइस की एक स्टिकर लगाया हुआ है विच सेज दैट दिस प्रोटीन इज सेफ टू कंज्यूम. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है. ये लैब टेस्टेड प्रोटीन है और इनका जो लैब टेस्ट है वो आप इनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं. ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसको मैंने खुद बाय किया है और मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ आज. सो दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड. सो अगर इस ब्रांड अवतार की बात करी जाए, आई डोंट नो बहुत लोगों को ये पता है या नहीं, ये गोवर्धन ब्रांड की तरफ से आता है. लेट मी शो यू, ये आप देख सकते हैं. तो ये गोवर्धन गो चीज ये उन्हीं की एक सब कंपनी है और वही वे प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट है. दैट मींस दिस इज अ ब्लेंड प्रोटीन और एज सच मुझे कोई एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं दिख रहा है इसमें. एवरीथिंग लुक्स गुड, कोई शुगर एडिड नहीं है. और इसकी बात करें तो इसके एक बॉक्स में आपको 29 सर्विंग्स मिलने वाली है जिसके एक स्कूप का साइज या वेट रहने वाला है 35 ग्राम. एक स्कूप 35 ग्राम में आपको मिलने वाला है 28 ग्राम प्रोटीन विच इज़ अ गुड नंबर. और शुगर जो है वो जीरो रहने वाली है. कार्ब्स हैं 2.9 ग्राम्स विच इज़ मैनेजेबल एज पर कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन है. फैट इसमें 1.7 ग्राम्स है एंड एवरीथिंग लुक्स गुड. इन्होंने अपनी अमीनो एसिड प्रोफाइल भी डिस्क्लोज की हुई है. सो दिस इज अ गुड थिंग. और इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप एक बार रीड कर लेना. और कंपनी ने हमें साथ में ये एक शेकर भी दिया है, फ्री शेकर है, प्लास्टिक का है. क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन एटलीस्ट फ्री में मिला है तो इट्स अ गुड थिंग. बाकी थोड़ा सा फ्लिमजी मटीरियल है तो इसको साइड में रखते हैं और इसको अब हम अनबॉक्स कर लेते हैं. सबसे ऊपर आपको ये प्लास्टिक की सील मिलने वाली है और इनका बॉक्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है वैसे तो. सबसे पहली चीज़ ये आप स्कैन कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं. और यहाँ पे आपको एक पेपर सील मिलने वाली है. सो लेट्स कट दिस एज वेल. सो सबसे पहले एक स्मेल ले लेते हैं इसकी कैसी है. मलाई कुल्फी वाला फ्लेवर तो आ रहा है. नाउ लेट्स फाइंड दिस स्कूप जो कि एक डिफिकल्ट टास्क होने वाला है. देखिए जी, स्कूप हमें मिल चुका है बहुत ही मेहनत करने के बाद. हाथ गंदे हो चुके हैं और अब इसकी एक बार क्वालिटी देख लेते हैं प्रोटीन की. ठीक है, प्रोटीन बिल्कुल फाइन क्वालिटी का है. और अब अपना शेकर खोल लेते हैं एक बार. पानी इसमें मैंने डाल दिया है 300 ml और मुझे इसमें कहीं दिख नहीं रहा, इन्होंने डायरेक्शंस में कहीं भी नहीं लिखा है कि कितना पानी यूज़ करना है. सो मैंने 300 ml डाल लिया है अपने अकॉर्डिंगली. सो लेट्स सी कैसा टेस्ट रहने वाला है इसका. एक स्कूप लेते हैं और नॉर्मल स्कूप लेना है, हीटिंग स्कूप नहीं है. सो ये हमने डाला अपना एक स्कूप और इसे कर देंगे बंद. टाइम टू शेक, 15 से 20 सेकंड शेक करेंगे. शो यू
इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, कोई लंप है या नहीं है, थोड़ा पास आते हैं। थोड़े से मुझे इसमें लंप दिखे जब मैं इसको पोर कर रहा था, तो इसमें दो तीन लंप्स मुझे दिखे, लेकिन ओवरऑल ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। बेसिकली अगर थोड़ा सा और शेक करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट की, इसके टेस्ट टेस्ट की। सच्ची बोलूं तो मलाई कुल्फी का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। मतलब लग रहा है कि हाँ आप कुछ मीठा मीठा दूध टाइप पी रहे हो, लेकिन मलाई कुल्फी वाला फ्लेवर नहीं आ रहा है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें कुछ अच्छा फ्लेवर आएगा, बट नथिंग स्पेशल। और एक चीज मैंने नोटिस करी है, इस प्रोटीन में फ्रॉथ थोड़ा ज्यादा क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी ग्लास में फ्रॉथ लगा हुआ है, तो इसके अंदर भी आप देखें तो फ्रॉथ है इसमें सी। तो अगर ये प्रोटीन लेते हैं तो इसको शेक करके थोड़ी देर ग्लास में डालना पड़ेगा, तब जाके इसका फ्रॉथ थोड़ा कम हो जाएगा। और मे भी अगर मैं शायद पानी 250 ml डालूँ तो थोड़ा सा टेस्ट बेटर हो जाए, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस। शुगर इसकी ठीक है, बहुत मीठा नहीं है, सो ऑन पॉइंट है। फ्लेवर में बिल्कुल लैक कर रहा है, ऑल दो जो फ्लेवरिंग है वो एक सबकी एक पर्सनल चॉइस होती है। सो मुझे तो ये पसंद नहीं आया, मतलब ठीक है आई कैन मैनेज, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये सेम फ्लेवर ऑर्डर नहीं करूँगा, मे बी अदर फ्लेवर्स। तो जैसे कि हम नॉर्मली वे प्रोटीन में फ्लेवर्स देखते हैं, जो चॉकलेट है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, ये फ्लेवर्स हम यूज़ कर करके बोर हो चुके हैं। सो आई थॉट लेट्स ट्राई सम इंडियन फ्लेवर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है ये फ्लेवर्स। सो आई थॉट कुछ तो इनमें स्पेशल होगा, बट बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। इट इज़ ओके इस प्रोडक्ट, आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मे बी यू लाइक इट, बट आई डिडेंट लाइक दिस। बाकी प्रोटीन की बात करें तो पीने में काफ़ी लाइट प्रोटीन है, बहुत हैवीनेस तो फील नहीं हो रही है एज ऑफ नाउ। सो आप इसे प्री वर्कआउट में बिल्कुल ले सकते हैं, प्री वर्कआउट में आप लेके आधे घंटे 40 मिनट के बाद जिम जा सकते हैं। बाकी प्रोटीन में कोई दिक्कत नहीं है, ये एक अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का इंडियन प्रोटीन है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये इन्फॉर्म चॉइस और ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है, तो आप इसे बेझिझक कंज्यूम कर सकते हैं। मे बी यू कैन ट्राई दी अदर फ्लेवर्स एज वेल। सो ओवरऑल आई कैन रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो 2300 रुपये का 1 किलो मुझे पड़ा है। सो थोड़ा सा आप कह सकते हैं हायर साइड पे है, इतने में आपको एक इम्पोर्टेड ब्रांड का प्रोटीन मिल जाएगा अगर ओरिजिनल मिल गया तो। बाकी यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस प्रोडक्ट। आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं तो लेट मी नो हाउ इज इट, हाउ आर योर रिव्यूज, हाउ डिड यू फाइंड दिस प्रोडक्ट। सो ये थी मेरी आज की वीडियो इस अवतार के वे प्रोटीन के ऊपर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड रिजॉल्व योर इश्यूज। सो मिलते हैं ऐसी एक और सप्लीमेंट रिव्यू वीडियो में, और इस चैनल पे आपको बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज मिलने वाले हैं ऑन द सप्लीमेंट्स। सो यू कैन बाय देम ब्लाइंडली इफ आई एम रिकमेंडिंग यू द प्रोडक्ट। बाकी आपकी मर्जी, आपके पैसे हैं, आप जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।